मिस्टर मेंडा, गुड आफ्टरनून. बहुत बहुत शुक्रिया. पहले तो सर, जिस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है, 11.5% की ग्रोथ, क्या वजह रही इसकी? मेन ग्रोथ ड्राइवर्स क्या थे और आउटलुक फॉर रेस्ट ऑफ FY22 कैसा लग रहा है सर? जैसा आपने बताया कि हमने 11.5% की ग्रोथ करी है, जबकि इंडस्ट्री ने 2.6% की डी ग्रोथ किया है और हमारा रिवेन्यू 731 करोड़ का हमने जनरेट किया है. और ये सेकेंड क्वार्टर में जो पेंडेमिक वेव के बाद भी मार्केट में ग्रोथ तो नजर आ रही है, और चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो. मेनली हमारा जो आफ्टर मार्केट ने हमको बड़ा सपोर्ट किया है, आफ्टर मार्केट की ग्रोथ हमारी लगभग 20% रही है, और उसने उसकी वजह से ये रिजल्ट मुमकिन हो पाया है. ओके, ऑलराइट सर. कमोडिटी इन्फ्लेशन जो था उसके बावजूद हमने देखा आपके मार्जिन्स भी यहाँ पर इम्प्रूव हुए हैं, कैसे किया सर आपने और ये क्या सस्टेनेबल होगा आगे चलकर? जैसा आपने बताया कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत इंक्रीज हुई है, और दूसरा उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर की भी बहुत शॉर्टेज रही है. उसके बाद बावजूद हमने ये रिजल्ट पॉसिबल कर पाए हैं, और हमारी इसके अलावा भी हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन भी इंप्रूव हुई है. हमारा नेट डेट 42 करोड़ से बेटर हुआ है, और फ्री कैश फ्लो हमने फर्स्ट हाफ में लगभग 45 करोड़ का जनरेट किया है. कमोडिटी प्राइसिंग में हमारा बैक टू बैक कस्टमर से अरेंजमेंट है, उसकी वजह से हमको इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ, और हमने फॉरवर्ड जो हमारे सप्लायर हैं उनसे भी अरेंजमेंट किया कि जो बैक टू बैक हमारा उनका भी अरेंजमेंट हुआ, तो इस वजह से हमारे को इम्पैक्ट कम मिला. मैं सोचता हूँ कि सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और नेक्स्ट हाफ ईयर डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, और सेमीकंडक्टर की भी मेरा सोचना है कि ये शॉर्टेज बनी रहेगी. क्या आप ये कह रहे हैं कि जो पोस्ट कोविड एक बाइंग ट्रेंड या डिमांड देखी थी, अब वो कहीं कहीं ना कहीं टेपर डाउन हो रही है? इंडिया की कैप्टिव रिक्वायरमेंट और यूथ पॉपुलेशन को देखते हुए इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म डेफिनेटली ये ग्रोथ लगातार रहेगी, थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए है. तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के में थोड़ा चैलेंजिंग है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ये कंटिन्यूसली ग्रोथ रहेगी, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स.